दोस्तों, प्राच्य पश्चात विवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए जानते हैं कि प्राच्य पश्चात विवाद क्या था, इसके कारण क्या थे और ये हल कैसे हुआ। तो देखिए, इस कारण को जानने के लिए आपको एक तिथि याद करनी पड़ेगी, 1813 ईस्वी। 1813 ईस्वी का मतलब कब? जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का वर्चस्व था, ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करती थी और अंग्रेजों का व्यापार चलता था। तो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक अध्यादेश जारी करती है, एक आज्ञा पत्र जारी करती है। आज्ञा पत्र में एक धारा है, धारा 43, और उस धारा 43 में भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा जाता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और उनको कहा जाता है कि भारत की शिक्षा पे आप कम से कम 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष धनराशि व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है। धारा 43 में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार शिक्षा में व्यय की जाएगी, ओके। अब इसी विवाद को लेके कि शिक्षा पे ये 1,00,000 रुपये की जो भारी रकम है, शिक्षा पे किस प्रकार खर्च करनी है, इसी बात को लेके पूरी कंपनी दो गुट में बढ़ जाती है। यहीं से एक विवाद शुरू हो जाता है जो कि कहते हैं प्राच्य और पश्चात्य विवाद, प्राच्यवादी और पश्चात्य विवादी विवाद कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट मैटर्स कहते हैं, इशू कहते हैं। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके कारण क्या था, क्या वजह था, ऐसी क्या चीज़ लिखी थी धारा 43 में? देखिए, धारा 43 में दो शब्द कहे गए थे। ये जो 1,00,000 रुपये है इसको खर्च करना है भारतीय विद्वानों के उत्थान के लिए और साहित्य के लिए। ये दो शब्द थे, साहित्य और भारतीय विद्वान, यही मुख्य कारण बने इस पूरे विवाद के। तो विवाद का मुख्य कारण क्या था कि जो 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किए दो शब्द हैं, कौन सा, साहित्य और भारतीय विद्वान। अब 1,00,000 रुपये खर्च करने के लिए प्राच्यवादी और पश्चातवादियों ने दोनों ने अपने अपने तरफ से व्याख्या किया। डॉक्टर श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं, प्राच्यवादियों का ये मानना था कि साहित्य का मतलब केवल संस्कृत और अरबी भाषा आते हैं, और भारतीय विद्वान का मतलब कि वह विद्वान जिनको इन भाषाओं में ख्याति प्राप्त हो, मतलब संस्कृत और अरबी भाषा के विद्वान। जबकि पश्चातवादियों का ये मानना था साहित्य का मतलब अंग्रेजी के बारे में बात की जा रही है, अंग्रेजी का विशेष स्थान दिया जा रहा है। जबकि जो प्राच्यवादी थे वो भारत की सांस्कृतिक भाषा पे जोर देते थे, और पश्चातवादी जो बाद में आए थे उनका ये मानना था कि 1,00,000 रुपये आपको अंग्रेजी के लिए खर्च करना है। तो यहीं से विवाद बढ़ गया। प्राच्यवादियों का मानना था कि संस्कृत, अरबी, हिंदी, इन भाषाओं में आपको 1,00,000 रुपये खर्च करना है, जबकि पश्चातवादियों का मानना था कि आपको 1,00,000 रुपये खर्च करने अंग्रेजी भाषा के उत्थान के लिए, अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। तो यहीं से विवाद पड़ गया। आइए वन बाय वन देखते हैं कि प्राच्यवादी का कहना क्या था, क्या लॉजिक था, किस कारण से वो भारतीय भाषा संस्कृत, अरबी और हिंदी पे खर्च करना चाहते थे जबकि पश्चातवादी अंग्रेजी पे खर्च करना चाहते। वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। इसमें सर्वप्रथम स्थान वॉरेन हैसिंगटन और जोनाथन डंकन का था, जिन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज की सृष्टि करके प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। लॉर्ड मॉन्टो भी इसी नीति के पोषक थे, इसी नीति को बंगाल की लोक शिक्षा समिति सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इन सदस्यों में दो मुख्य थे, समिति का मंत्री विल्सन और बंगाल के शिक्षा सचिव प्रिंसेप प्राच्यवादी दल के नेता भी थे। ये वो पुराने लोग थे जो प्राच्यवादी यानी कि भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के खर्च की बात करते थे, ये लोग प्राच्यवादी संगठन में शामिल थे। इनका ऐसा तर्क क्यों था, ये क्यों हिंदी और अरबी भाषा में ही 1,00,000 रुपये व्यय करने की बात करते थे? इनका तर्क इसलिए था क्योंकि इनका मानना था कि भारत में पश्चात ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जाएगा। दूसरा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विनाश हो जाएगा जिसमें अनेक युगों का ज्ञान संचित है। तीसरा, टीएन सिक्वेरा के अनुसार जब भारतीयों की अपनी स्वयं की प्राचीन और भव्य संस्कृति है तब उनको अन्य देशों की भाषा और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना दोषपूर्ण नीति है। इनका ये मानना था, और प्राच्यवादी ये जानते थे कि इनकी संस्कृति भाषा को, इनकी संस्कृत को, इनकी अरबी को सेफ किया जाए, संरक्षण दिया जाए। अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी वो चाहते थे कि अंग्रेज भारतीय की जो अपनी साहित्यिक भाषा है उनकी हिफाजत की जाए, ये इनका मत था। इसके विपरीत पश्चातवादी क्या मानते थे, पश्चातवादी का क्या मानता? देखिए, पश्चातवादियों में संभवतः नए लोग थे, कंपनी में जो नए लोग जुड़े थे वो लोग थे, ओके। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा यानी कि पुरानी शिक्षा प्रणाली मरणासन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है और उसे पुनः जीवन प्रदान करना मानव प्रयास से बाहर की बात है। उनका मानना था कि हिंदी संस्कृत भाषाएं मरणासन पे हैं, अब इसे पुनः से नहीं जीवित कर सकते। भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पश्चात ज्ञान यानी बाद के ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना
बहुत ही आवश्यक है। तो पश्चातवादी ये कहते थे कि भारतीय की जो अपनी सांस्कृतिक भाषा है उसके विपरीत उनको विज्ञान से और अंग्रेजी से अवगत कराना बहुत जरूरी है। एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये पश्चातवादी इसलिए नहीं विज्ञान और अंग्रेजी की बात करते थे कि ये हमें आगे बढ़ाना चाहते, नहीं, इनका इसलिए था क्योंकि भारतीय जब विज्ञान और अंग्रेजी को जानेंगे तो इनसे व्यापार आसान हो जाएगा। जब वहाँ से कोई अंग्रेज आता है तो इनसे बात करना, कम्युनिकेट करना ईजी हो जाएगा, इसलिए ये चाहते थे कि अंग्रेजी को यहाँ पर प्रमोट किया जाए। इनकी बिल्कुल ऐसी नीति नहीं थी कि अंग्रेजी या विज्ञान पढ़ा के हमें प्रमोट करना, हमें और आगे बढ़ाना, नहीं, अपने व्यापार के लिए यहाँ पे ये चाहते थे कि इंडिया में हम अंग्रेजी भाषा का प्रसार करें। तो ये विवाद का कारण था। उम्मीद है आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी कि प्राच्यवादी पश्चातवादी विवाद का कारण क्या था और प्राच्यवादी और पश्चातवादी कहते किसे हैं और इनका अपना मत क्या था। अब एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि यह हल कैसे हुआ, यह विवाद ख़त्म कैसे हुआ। तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग के सामने ये मसला रखा गया और लॉर्ड बैटिंग ने इसके लिए एक समिति बनाई, उसमें लॉर्ड मैकाले को बुलाया और लॉर्ड मैकाले ने अपना एक विवरण पत्र जारी किया, एक संपूर्ण विवरण पत्र बताया कि इस 1,00,000 रुपए को खर्च कैसे करना है। लेकिन जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट किया। लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना कि उन्होंने कैसे पॉइंट्स रखा, लेकिन हम इसमें लॉर्ड मैकाले को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, उनको एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो लॉर्ड मैकाले एक पूरा विवरण पत्र जारी करते हैं और वो बताते हैं कि 1,00,000 रुपए को कैसे खर्च करना है, लेकिन लॉर्ड मैकाले का जो झुकाव था वो टोटली अंग्रेजी भाषा की तरफ था। लेकिन उसे विवरण पत्र की सहायता से उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने अपना फैसला सुना दिया और उन्होंने बता दिया कि 1,00,000 रुपए ऐसे खर्च करना है। लेकिन जो प्राच्यवादी थे, जो भारतीय संस्कृति और अरबी को सपोर्ट करते थे, वो इस बात का समर्थन, वो इस बात को नहीं माने। तो लॉर्ड बैटिंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद से लॉर्ड ऑकलैंड आ गए भारत के गवर्नर जनरल, और जैसे ही लॉर्ड बैटिंग ने इस्तीफा दिया यह विवाद उग्र हो गया। ये प्राच्यवादी मानने को तैयार नहीं थे कि क्यों इंग्लिश की तरफ झुकाव करके लॉर्ड मैकाले ने इसका विवरण पत्र दे दिया, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली फैसला किया लॉर्ड ऑकलैंड ने, कुछ समय लिया, लगभग 4 सालों का समय लिया, उन्होंने कंप्लीट इस पर अध्ययन किया कि क्या वजह है कि लॉर्ड बैटिंग के फैसले के बाद भी प्राच्यवादी नहीं मान रहे। तो उन्होंने पाया कि इंग्लिश पक्ष को ज़्यादा बल दिया गया है, इंग्लिश पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो और लॉर्ड ऑकलैंड ने यह पाया कि अगर कुछ पैसे और प्राच्यवादियों को दे दिया जाता है, वह लोग जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, संस्कृत और अरबी भाषा को सपोर्ट कर रहे थे, उनको थोड़े और पैसे दे दिए जाए उनकी शिक्षा के लिए, तो शायद यह विवाद खत्म हो जाए। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, 24 नवंबर 1839 ईस्वी को एक विवरण पत्र जारी किया और विवरण पत्र में कहा कि देखो जो पैसे प्राच्यवादियों को मिल रहे हैं वो तो उनको मिलेंगे मिलेंगे, जो पैसे पश्चातवादियों को उनको मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 31,000 रुपये प्राच्यवादियों को और दिया जाएगा। यानी कि जो भारतीय विद्वान थे और भारतीय जो साहित्य थी उस पर 31,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और बस इस फैसले के बाद जो प्राच्यवादी थे वो प्रसन्न होंगे, वो खुश होंगे कि अरे वाह, हमें तो 31,000 और रुपये मिल रहे हैं। और केवल 31,000 रुपये नहीं, उसके साथ पूरा एक विवरण पत्र जारी किया लॉर्ड ऑकलैंड ने, और उस विवरण पत्र में मुख्य बात, बहुत अच्छी बातें कही भारतीय साहित्य के लिए, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख दूँ। उन्होंने कहा कि देशी विद्यालयों को भली भांति चलने दिया जाना चाहिए, उनको उतना ही आर्थिक सहायता दी जाए जितनी अब तक की दी जाती रही है, पैसे जैसे दिए जाते हैं उतने दिया जाए, उसको भली भांति चलने दिया जाए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्राच्य विद्यालयों को पहले आर्थिक सहायता दी जाए, बाद में अंग्रेजी विद्यालयों को सहायता प्रदान की जाए। पहले जो प्राच्यवादी थे, जो भारतीय संस्कृत और अरबी भाषा थी, पहले इनको, इन पर पैसे दिए जाए, बाद में अंग्रेजी विद्यालयों को दिया जाए। देशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से 1/4 को छात्रवृत्ति दी जाए, ये इस प्रकार से कुछ फैसले दिए गए, तब जाके प्राच्यवादी माने थे। और एक और फैसला था कि योग्य अध्यापकों को आर्थिक सहायता तथा आर्थिक वेतन, उनको अपने कार्य की ओर खींचा जाए, ठीक है। तो उनको आज से जो योग्य शिक्षक थे उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक पेमेंट्स भी देने की बात की गई। धनराशि में लाभदायक पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन किया जाए। देशी विद्यालय जब विश्व के शिक्षण कार्य को ठीक से करने में समर्थ हो जाए तो वे अंग्रेजी का छाया चला सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के फैसले थे, यानी कि जो देसी भाषाएं थी, हमारी भारतीय संस्कृति थी, भारतीय विद्वान को थी, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया लॉर्ड ऑकलैंड ने, और इस प्रकार से यह विवाद अंत हो गया। तो देखा दोस्तों कि विवाद का कारण क्या था, 1,00,000 रुपये व्यय करने के लिए जो दो शब्द थे, साहित्य और भारतीय विद्वान,
तो प्राच्यवादियों का मानना था कि अंग्रेजी सॉरी प्राच्यवादियों का मानना था कि संस्कृत और अरबी भाषा भारतीय विद्वानों की बात की गई है, जबकि पाश्चात्यवादियों का मानना था कि अंग्रेजी की बात की गई है। इसमें मैकाले आए, मैकाले ने विवरण पत्र दिया। मैकाले के विवरण पत्र के आधार पर उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने फैसला दिला दिया, लेकिन लॉर्ड बैटिंग का जो झुकाव था वो अंग्रेजी पक्ष की तरफ था, तो प्राच्यवादी मानने से इनकार कर गए, उग्र हो गया। फिर बाद में आए लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड ऑकलैंड ने ये फैसला दिया कि चलो प्राच्यवादियों को 31,000 रुपये और ऐड कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक विवरण पत्र जारी किया जिसमें यह मुख्य बातें कहीं, जैसे कि पहले देसी विद्यालयों को पैसे दिए जाए, उसके बाद अंग्रेजी वालों को दिया जाए, देसी विद्यालयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और प्राच्यवादियों के 1/4 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, शिक्षकों को आवेदन और वेतन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्राच्यवादियों के पक्ष में फैसले लिए, विवरण पत्र जारी किया, तब जाके ये मामला शांत हुआ। तो दोस्तों ये देखो, ये जो चीज़ है ना वो इतिहास का पार्ट है, और इतिहास का पार्ट आपको डिस्कस करके समझ के अपनी भाषा में लिखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी विवाद समझ में आ गया होगा, कारण समझ में आ गया, इसका अंत कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट रह गया कि मैकाले ने विवरण पत्र क्या दिया। जब मैकाले ने डेफिनेटली अंग्रेजी के पक्ष में दिया होगा तभी तो उसके बाद भी मसला शांत नहीं हुआ। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में क्या कहा था और क्या लिखा था कि यह विवाद और उग्र हो गया, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अपना कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ना इसका मैं PDF एक नोट्स बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, क्लिक करते ही आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और मैं वहाँ पे आपको ये PDF दे दूंगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी भाषा में एक बेहतरीन PDF बनाइए जिसमें बताइए कि प्राच्य पश्चात विवाद क्या था, इसका कारण क्या था, प्राच्यवादियों का मत क्या था, पश्चातवादियों का मत क्या था, इसका हल कैसे हुआ, इसका अपने भाषा में नोट्स बना के आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी ऐसे पढ़ते रहेंगे, एक ही टॉपिक को रेड आइकॉन पे क्लिक करके घंटी का आइकॉन दबा के चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।